इस 2 दिन के कार्यक्रम में हम बेसिक कोर्स तो करेंगे ही करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी सीखेंगे। वो स्ट्रैटेजी ऐसी है, खेल है, उन खेल से आपको एक एक खेल में 1% रोज निकाल सकते हो। अगर 6 खेल सिखाएंगे और 6% रोज बैंक वाले साल का 5% देते हैं, चलो मैं कब बताता हूं, 6% हजम नहीं होगा, 1% रोज बांट देते हैं। शुरुआत है, पहला है, पहली बार खेलने वाले हैं बहुत लोग, 1% भी आके रोज निकालना शुरू कर देते हैं तो महीने के 22%, साल के 260%। बैंक वाले 5% दे रहे हैं और आप अगर साल के 260% निकाल लोगे तो गजब के फंड मैनेजर बन जाओगे। एक एक आदमी अगर 1% मतलब 7,500 भी अगर दिन के कमाता है तो महीने के 2.25 लाख। अगर आप परिवार के 4 लोग हैं और 4 लोग यहां आ गए हैं और 4 लोग ही सीख लेते हो तो हर परिवार का सदस्य अगर 2-2 लाख कमाएगा तो महीने के 8 लाख रुपए। मियां बीवी बच्चे सब सीख सकते हैं, लेडीज भी सीख सकते हैं, बहुत सारे गृहणियां आई हैं, यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, परिवार की तरह हमको सीखना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप लोग भी अपने परिवार को बुला सकते हैं, अभी भी वक्त है, आप लंच में भी बुलाना चाहें तो बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, उससे देर हो जाएगी तो फिर कुछ कोर्स आपका छूट जाएगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे। क्लियर है तो ये सीखते हैं सर। अब इसके अंदर बहुत बड़ी बात जो है वो है स्टॉक मार्केट। हमको शेयर मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अगर हमें फॉरेक्स सीखना है। जो बिल्कुल नहीं जानते, जो शेयर मार्केट के बारे में भी नहीं जानते, उनसे थोड़ा सा निवेदन है, ध्यान से सुने। बड़े कम शब्दों में शेयर मार्केट क्या होता है। हमारे देश में 4 प्रकार की कंपनियां बनाई जाती है। ROC बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। 4 अलग प्रकार की कंपनीज हैं। पहली कंपनी है पार्टनरशिप फर्म, 2 मित्र 3 मित्र, 2 भाई बहन, 2 सिस्टर, 2 सहेलियां, माँ बेटे, बाप बेटे, ऐसे मिलकर आप एक पार्टनरशिप कंपनी खोल सकते हो। उसका आधार उद्योग कार्ड लेना पड़ेगा, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, बैंक में करंट अकाउंट खुलेगा और आप एक पार्टनरशिप फॉर्म बना के शेयरिंग कर सकते हो। मेरा 50, तेरा 50, मेरे 60, तेरे 40, 70, 30 या 20, 60, ऐसे जितने भी पार्टनर हैं आप लोग शेयरिंग करके एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। दूसरा होता है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। मैं अकेला हूं, कंपनी का मालिक मैं हूं, मैं ही सबको डिसाइड करूंगा, मेरे हिसाब से कंपनी चलेगी, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। उसकी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसका भी आधार उद्योग कार्ड आएगा और उसके ऊपर आप कंपनी चला सकते हो। फिर आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 2013 से पहले कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, और आप 2013 के बाद कंपनीज एक्ट में संशोधन हुआ, अब 1 आदमी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकता है। इसको हम लोग OPC बोलते हैं, 1 person company। अब उसके अंदर भी आप शेयर होल्डिंग कर सकते हो, दोनों पार्टनर बांट सकते हो, 2 डायरेक्टर बांट सकते हैं, या अपने घर वालों को, मेरी बीबी के इतना, मेरा बेटा का इतना, मेरे बाप के इतना, मेरी माँ का इतना, आप शेयरिंग पहले दिन डिसाइड करके अपने घर वालों के अंदर 10-15 लोगों को आप शेयरिंग दे सकते हो हिस्सा। अब उसके बाद आता है एक और बड़ी चीज बना दी, उपलब्धि हो गई। मान लीजिए आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया, जबरदस्त आइडिया, उस आइडिया को अगर लागू किया जाए, जमीन खरीदी जाए, फैक्ट्री लगाया जाए, कार्य करिए, तो लाखों लोगों का भला हो सकता है, गवर्नमेंट का भी भला होगा, लाखों लोगों का होगा, लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, प्लस आपका भी भला होगा। ऐसा कोई आइडिया है पर उसमें लगते 100 करोड़ रुपए और आपके पास है 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ में 100 करोड़ की कंपनी कैसे खोल सकते हैं? खोल सकते हैं, आप IPO ला सकते हो। एक रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एक ऑप्शन है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने, उसके भी 2013 से पहले मिनिमम 3 डायरेक्टर होना जरूरी थे, पर 2013 में कंपनीज एक्ट में संशोधन हुआ, अब 1 आदमी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल सकता है। अब उसमें जब बोला आपने, उसका IPO बैंक के साथ टाई अप होता है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, टीवी में, मीडिया में, पेपर में होर्डिंग लगाने पड़ेंगे ताकि लोगों की जानकारी हो इतना जबरदस्त आइडिया लॉन्च होने जा रहा है, ताकि जब आप IPO लॉन्च करें तो लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जितना उनके पास पेयर कर सकते हैं उस हिसाब से उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। 1 शेयर 10 रुपए का होता है,
उसमें भी अलग होता है एप्लीकेशन मनी, ऑफर मनी, उसकी डिटेल डाल देते हैं। पर 10 रुपए का एक शेयर होता है, आप अपनी श्रद्धा से 100 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, 5000 शेयर, 10000 शेयर, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हो। और ऐसे लाखों लोग जो खरीदते हैं तो उनके पास 100 करोड़ रुपए एग्रीगेट हो जाता है। उस 100 करोड़ से उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, जमीनें खरीदते हैं, फैक्ट्री खरीदते हैं, मशीनरी खरीदी जाती है, लेबर खरीदा जाता है, उसको लॉन्च करते हैं, और लॉन्च करने के बाद उसमें प्रोडक्शन शुरू होता है। जब प्रोडक्शन शुरू होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और साल में जितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया उस प्रॉफिट को जिसने जितने जितने शेयर लिए, 100 लिए, 500 लिए, 1000 लिए, उस शेयर के हिसाब से उसको मुनाफा दिया जाता है। उस मुनाफे को डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। अब कभी कभी मुनाफा ज्यादा हो जाता है तो वो कंपनियां राइट इश्यू देती हैं। राइट इश्यू का मतलब है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, इस बार मुनाफा अच्छा है, जितने शेयर आपके पास थे उतने शेयर फ्री, 100 थे 100 ले लो, 500 थे 500 ले लो, 1000 थे 1000 ले लो, तो आपके ऊपर दुगने शेयर है। तो अगले साल जब मुनाफा बढ़ेगा तो दुगने शेयर के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, मतलब 100% आपको प्रॉफिट मिला। उसके राइट क्या होता है उसमें, कंपनी पर पैसा रुक जाता है, कंपनी उसको और तरक्की में लगाती है और बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है, और अगले साल जबरदस्त मुनाफा आना शुरू होता है। जैसे जैसे कंपनी तरक्की करती है उसके शेयर तो 10 रुपए के थे मार्केट में ब्लैक में बिकने शुरू हो जाते हैं। क्या होता है? ब्लैक में बिकने शुरू हो जाते हैं। 10 का शेयर 50 में, 10 का शेयर 60 में, 10 का शेयर 600 में, अगर 1000 हो जाता 16000, 32000, 40000 का एक शेयर 10 रुपए का, पर उसको टेक्निकल भाषा में प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमियम शेयर, मतलब उसकी प्रीमियम वैल्यू बढ़ गई। अब ऐसे शेयर हमने 500-1000 खरीदे हैं, लॉकर में रखे हुए हैं, 2-4 साल बाद वो 32000 का शेयर हो गया, आपने उन शेयर को बेच दिए, तो आप रातों रात करोड़पति हो सकते हैं। इस शेयर मार्केट के अंदर भी सभी करके गवर्निंग बॉडी है, जिसके अंतर्गत रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत जैसे बैंकों के लिए RBI बना है, वैसे शेयर मार्केट के लिए SEBI बना है, इंश्योरेंस सेक्टर वालों के लिए IRDA बना है। तो ये सभी के अंतर्गत रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, ये शेयर मार्केट चलता है। और इसके बाद खरीदना बेचना शुरू हुआ लोगों का ज्यादा हो गया, एक सॉफ्टवेयर बना है ODM सॉफ्टवेयर, सवेरे 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। इस 6-6 घंटे के अंदर आप इसको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और जानते हैं इसमें 2 प्रकार की टिकटें हैं, NSE और BSE। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक एक टिकट, मतलब NSE की बात करें या BSE की बात करें, एक एक टिकट में एक दिन में 80,000 करोड़ का व्यापार होता है। कितना होता है? 80,000 करोड़ मात्र 6 घंटे। हाँ, इस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है इसकी इनकम पर, इनकम टैक्स है, सेस टैक्स है, सेमी टैक्स है, ट्रांजेक्शन टैक्स है, ऐसे प्रोफेशनल टैक्स है, ऐसे बहुत सारे टैक्स इस पर लगते हैं। तो अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 52 रुपए टैक्स में कट जाते हैं, 48 रुपए ही आपके अकाउंट में आते हैं, मतलब 52% का टैक्स लगता है। ये इसकी खराबी भी, बट फिर भी 48 रुपए आपके पास आते हैं। इस मार्केट की बात करें, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, छोटी छोटी चीजें और भी सीखने वाली हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम फॉरेक्स को इस शेयर मार्केट से कंपेयर करेंगे, तोलेंगे और देखेंगे कि भाई शेयर मार्केट अच्छा है कि फॉरेक्स मार्केट अच्छा है। आर यू रेडी? समझ में आ रहा? सो तो नहीं है? एक बार ताली बजा दीजिए।